आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग भगवान की भक्ति से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। भक्ति किस तरह से की जाए कि हमारा चित्त निर्मल हो, हमारी चेतना परिष्कृत हो और हमारा जीवन अच्छा बने, इसके लिए हम वादिराज महाराज के एक ही भाव स्तोत्र का आलंबन ले रहे हैं, क्योंकि वादिराज महाराज ने जितनी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ भक्ति की है वैसा कोई विरला ही भक्ति करता है। हमें भी भक्ति के समय अत्यंत श्रद्धा और आत्मविश्वास रखना चाहिए। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो सातमरस दुख निकंत, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। भगवान की भक्ति से पहले हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं और हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होना चाहिए कि आपके दर्शन करने से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मन की प्रसन्नता के मायने है मन का स्वच्छ हो जाता। मन का स्वच्छ होना यानी उसमें से विषय कषायों का निष्कासित हो जाना। मन हमारा भगवान के दर्शन से तभी खुश होता है जब हमारी कषायें मंद होती हैं। जब हमारी कषायों के मंद होने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है तो हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। भगवान के दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और उसके बाद जैसे जैसे हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण और कीर्तन करते हैं, तब हमारा मन शांत भी होता चला जाता है। जैसे जैसे दर्शन से हमें प्रसन्नता हुई मन में शांति भी आती है। कौन हमारे मन को अशांत करता है? हमारी विषय कषायों की आकांक्षा। और दर्शन करने से अगर विषय कषायों में मंदता आ गई तो अपने आप चित्त शांत होने लगेगा। मिट सकल द्वंद, मन में कषायों के चलते ही द्वंद था, राग द्वेष का द्वंद था, वो भी शांत हो गया। भक्ति के लिए इतनी भूमिका तो आवश्यक ही है। भगवान के स्वरूप का दर्शन, उससे हमारे चित्त की प्रसन्नता और चित्त का शांत हो जाना। चाख्यो सातमरस दुख निकंत, जैसे जैसे चित्त शांत हुआ, मन के विकल्प मिटे, तब जाकर के हमारे अंतरंग में भी वैसे ही गुण हैं जैसे कि भगवान के अंदर गुणों का प्रगटीकरण हुआ है, वही वैसे ही हमारे अंदर भी सामर्थ्य है। उसकी तरफ ध्यान जाते ही चाख्यो स्वातम रस दुख निकंत, समस्त दुखों को, दुखों के समूह को नष्ट करने वाला वह जो आत्मा का रस है वो तब आना शुरू होता है। भक्ति हमें इतनी गहराई तक और इतनी ऊंचाई तक ले जाने वाली चीज है। भक्ति बहुत सतही नहीं है। वर्तमान में जो हम भक्ति करते हैं वह बहुत सतही है। हमारे शरीर को और हमारी वाणी को थोड़ा सा स्पंदित करती है, लेकिन हमारी चेतना या हमारे मन को वो भक्ति स्पंदित नहीं करती। जबकि भक्ति वास्तव में तब शुरू होती है जब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए
मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है, शांत भी हो गया है, उसके द्वंद मिट गए हैं और जैसे कि समस्त दुख ही नष्ट हो गए हैं और आत्मा का जो आनंद है वो आना शुरू हो गया है। ये भक्ति की भूमिका है, भक्ति की शुरुआत यहां से होती है। लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत समर्पण का भाव, वो अपन लोगों के अंदर आ नहीं पाता। अपन चर्चा तो करते हैं, मैं भी रोज आपसे आखिरी में यही कहता हूं कि हमारा समर्पण का भाव, ये समर्पण ऐसे नहीं आता, कहीं से इसे हम अभ्यास करके नहीं पा सकते, ये तो सहज रूप से आता है। वो सहजता भी कैसे आएगी, जैसे जैसे हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे तब आएगी, तब उससे हमारे अंदर के जब द्वंद मिटेंगे और हमें अपने आत्मा की तरफ रुचि उत्पन्न होगी, तब जाकर के ये समर्पण की स्थिति अपने आप निर्मित होती है। अच्छा ये बताओ, मां के प्रति बेटे का प्रेम बहुत क्यों होता है, कभी विचार किया? बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें कि पिता के प्रति या कि अन्य दादा दादी और के प्रति बेटे के मन में प्रेम, और वो भी सहज। बाकी के प्रति तो कहना पड़ेगा कि ये देखो इनसे अच्छा रखा करें इनके प्रति, ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये दादा हैं, ये ताऊ हैं, फलाना, ये बताना पड़ेगा। लेकिन माँ के बारे में बता नहीं पड़ता, ये नहीं कहना पड़ता कि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए, माँ से बहुत प्रेम रखना चाहिए, ऐसा किसी को सिखाना नहीं। किसी को स्कूल आज तक नहीं बनी हुई है, ना कोई हमें शिक्षा देने की इसके लिए आवश्यकता है। जैसे कि ये हमारे भीतर बहुत सहज होता, क्यों? क्योंकि वो काई है। हम तो बचपन में कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो हो सकता है कि अपने ही मल में अपनी पूरी देह को लिप्त कर लेते, हम तो अज्ञानी थे। वो जैसे कि देह को अपने ही मल से लिप्त करने वाले बालक को भी उठाकर निर्मल बनाती है, ऐसे ही हमने अपनी ही विषय कषायों से अपने चित्त को मलिन कर दिया है। उसके लिए अगर कोई उपकारी है, धुलाने वाला है, तो मातेव वालस सितानु शास्ता, माँ के समान बालक का हित चाहने वाले तो अरंत भगवान ही है, अत्यंत परोपकारी है। ये भाव मन के भीतर उत्पन्न होता है, तब सहज ही हमारे मन में समर्पण का भाव और श्रद्धा का भाव आता है कि इस संसार में मेरा इनके अलावा कोई उपकारी नहीं है। और एक बार अगर ये भाव हमारे अंदर आ गया तो हम उनकी सेवा कहें या भक्ति कहें, जो भी कहना चाहें, समर्पण कहें, वो सब हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। एक राजा के जन्मदिन पर राजा के मित्र ने और राजा साहब को एक सेवक भेंट स्वरूप दिया। पहले जो है दासी दास भेंट स्वरूप दिए जाते थे और बाजार से खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे चीजों की तरह। तो राजा को जब वो सेवक भेंट स्वरूप दिया गया, अब चूंकि मित्र ने दिया है तो राजा को थोड़ा सा लगा कि ये मित्र का दिया हुआ सेवक है, इससे तो मुझे और इसके मन की भी पूछ लेना चाहिए कि क्या चाहोगे, कैसा चाहोगे। तब राजा को तो नाम भी नहीं मालूम था सेवक का, तो राजा ने उस सेवक से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो सेवक ने बोला कि हुजूर जिस नाम से आप चाहो उस नाम से पुकार लो, मेरा अपना कोई अलग से नाम तो है नहीं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा चलो ठीक है, बहुत विनम्र है सेवक। अच्छा ये तो बताओ कि तुम क्या चाहोगे सेवा के बदले में। तो उसने कहा कि जो आप दे देंगे, तो तुम्हारी अपनी कोई भी इच्छा नहीं है। सेवक ने जवाब दिया कि सेवक की क्या इच्छा हो सकती है, सेवक तो इसलिए सेवक है कि वो मालिक की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या ऐसा भाव हमारे भीतर आता है क्या? हमारी अपनी कितनी इच्छाएं लेकर के हम भगवान के सामने जाते हैं, और एक सामान्य सा सेवक ये कह रहा है
कि जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपके प्रति समर्पित हूं, वैसा मैं आपकी सेवा करूंगा। ये उदाहरण पढ़कर के मुझे लगा कि अपन की सेवा और अपन की भक्ति में और अपनी श्रद्धा में कहां कमी रह जाती है। अपना अपने अंदर जो मन में इच्छाएं हैं वो हमारी शांत नहीं हो पाती, इसलिए हम समर्पित नहीं हो पाते। और मन में इच्छाएं हमारे हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम अपने उपकारी व्यक्ति को वाकई में उपकारी माने तो उससे इच्छा करने की भी क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार मन के भीतर आए। जैसे कि वृक्ष के नीचे पहुंचने पर इच्छा नहीं करनी पड़ती, याचना नहीं करनी पड़ती कि हे वृक्ष मुझे छाया दो, हे वृक्ष मुझे फल दो, आप बैठो तो आकर के नीचे छाया अपने आप मिलेगी। आप थोड़ी देर बैठो, एक ना एक फल पक करके नीचे टपक जाए। ये हमारे मन में ऐसा उपकार का भाव अगर आता है तो ही हमारी भक्ति सार्थक है। लोकस सैकस तमसि भगवन निर्निमित्तेन बंधु तये वासो सकल विषया शक्तिर प्रत्यनीका भक्ति स्वीताम चिरमदिवसन मामिकाम चित्त सय्याम मयुत्पन्नम कतमिव तथा क्लेश यूथम सहित जन्माद्याम कतमपि मया देव दीर्घम भ्रमत्वा प्राप्त वेयम तौ न कथा स्फार पीयूष वापी तस्यामत्ये हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम निर्मग्नम माम न जाति कथम दुख दावोपताप। भक्ति वादिराज महाराज करते हुए कह रहे हैं कि लोकस सैकस तमसि भगवन निर्निमित्तेन बंधु। हमारे भीतर ये भाव आ ही नहीं पाता है भगवान, वैसे तो हमने सुना है कि आप सबके समान रूप से बिना स्वार्थ के हित चाहने वाले बंधु हैं आप, एकमात्र अरंत भगवान है जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अरंत पद को प्राप्त करते, तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। सबके कल्याण की भावना उनके अंदर है, यानी सबके कल्याण में वो निमित्त है, वे सबके बंधु हैं इतना जरूर है। वे किसी का अपनी तरफ से कल्याण नहीं करते, कोई उन्हें अपने कल्याण में निमित्त बना ले वे तो बना ले, जो उन्हें अपने कल्याण में निमित्त बनाना चाहे वे उस किसी को इनकार नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए अपने कल्याण में निमित्त नहीं बना सकते। यही उनका तीनों लोगों के बंधु होने का लक्षण है। जो उनकी शरण में आता है और जो उनको उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है वो अपने चित्त को निर्मल करके अपना कल्याण कर सकता है। वो किसी को मना नहीं कर सकते कि आप मेरे निमित्त से अपना कल्याण मत करो, लेकिन वे किसी को बाई फोर्स ये भी नहीं कहते कि तुम अपना कल्याण कर लो, तुम्हें अपना कल्याण कर ही लेना चाहिए। नहीं, तुम करना चाहो तो कर लो, मुझे निमित्त बनाना चाहो तो बना लो। ऐसे निस्वार्थ बंधु हैं, पहली विशेषता ये है। अप्रत्यनीक शक्ति, निर्बाध प्राणी मात्र को उसके सुख दुख को तीनों लोकों के चेतन अचेतन पदार्थों को जानने की केवल ज्ञान रूपी सामर्थ्य भी आपके भीतर है भगवान। ये दो चीजें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आप निस्वार्थ भाव से सबका भला चाहने वाले हैं, ये मुझे एहसास हो गया है, आपका यह उपकारीपना मुझे मालूम पड़ गया है। जैसे बेटे को मालूम रहता है कि कोई मदद करे या ना करे माँ तो मदद करेगी, उसके पास जाके याचना करने की भी आवश्यकता नहीं, बस जाना भर है मुझे उसके पास। उससे ये भी नहीं कहना पड़ता है कि तुम मुझे माँ ये दोगी कि नहीं दोगी, उसके सामने तो सीधे जाके यही कहा जाता है कि ये चाहिए मुझे। और कई बार तो चाहिए ये भी नहीं कहना पड़ता है, सहज रूप से हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो ये उपकार का भाव हमारे भीतर। और दूसरी चीज कि आप सब कुछ तो जानते हो, मुझे कहने की क्या आवश्यकता है, मैं आपसे कहूं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना करना है, वादिराज महाराज कह रहे हैं, भक्ति स्पीताम चिरमदिवसन मामिकाम चित्त सैया, भक्ति के द्वारा मेरे चित्त में मैंने एक सैया बनाई है, भक्ति रूपी अपने मन की सैया बनाई है जिस पर कि मैं आपको स्थापित कर चुका हूं।
अब ऐसी स्थिति में आप ही बताओ भगवान कि मेरे हृदय में आप विराजो और मेरे जीवन में अगर कोई कष्ट आए तो उसे आप सहन कैसे करोगे। और जब आप सहन नहीं करोगे तो कहने का आशय यह है कि वो दुख दूर अपने आप ही हो जाए। इतना आत्मविश्वास है और इतनी श्रद्धा है। हमारे भक्ति के समय हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव आना चाहिए कि भगवान अत्यंत उपकारी है, मुझे उनसे मेरे ऊपर उपकार करो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, और किस तरह उन्हें उपकार करना चाहिए ये उन्हें डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा ऐसा मेरे लिए करो, वे तो सब जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें अपने भीतर बिठा लेना है, तब फिर मेरे अंदर कोई दुख रहेगा ही नहीं। अगर दूसरे तरह से विचार करें तो जो व्यक्ति अपने भीतर राग द्वेष से रहित वीतराग अवस्था का अनुभव करता है उस व्यक्ति को कोई दुख होगा क्या? एक एक तरह से कथन किया जाए अगर व्यवहार की दृष्टि से तो जिसने अपने भीतर भगवान को बिठा लिया तो उसके कष्ट दूर हो गए, ये बहुत व्यवहारिक सी दृष्टि है, जबकि भगवान वहां से उतर के हमारे भीतर आगे बैठने वाले नहीं है। लेकिन इसके पीछे भाव क्या छिपा हुआ है, क्या अध्यात्म छिपा हुआ है? हमारे भीतर भगवान का बैठना यानी हमारे भीतर की वीतरागता का प्रकट हो जाना, और जिसके भीतर वो वीतरागता भक्ति के माध्यम से प्रकट हो गई है उसके जीवन में दुख आएगा क्या? होते हुए भी वो दुख उसे दुख नहीं जान पड़ेगा, वो तो कर्म के उदय में होने वाली स्थिति है, मेरी चेतना उस दुख से प्रभावित नहीं है। कर्म अपना उदय दुख रूप देवे तो देवे, लेकिन मैं तो अपने वीतराग भाव में स्थित हूं, मैं तो अपने समता भाव में स्थित हूं, तो वह कर्म दुख रूप मुझे कैसे बना सकता है? मैं तो अपने आप में और प्रसन्न ही रहूंगा भगवान की भक्ति करते। इस तरह से भगवान की भक्ति की जाए इतने समर्पित भाव से, तो देखिएगा कि हम छोटी छोटी चीजों को अपने छोटे छोटे से दुखों को ले जा करके और इतना बढ़ा करके भगवान के सामने और दूसरों के सामने भी अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं नहीं, संसार में तो दुख अपने कर्मों से सबको प्राप्त होता है, मैं उस दुख में समता भाव रख सकूं, वीतराग भाव रख सकूं, ये मैंने भगवान की भक्ति से सीखा है। भगवान की भक्ति मुझे इतना ही सिखाती है कि मैं भगवान के गुणों का स्मरण करके उस वीतरागता को अपने भीतर भी धारण कर सकूं, तो ही मेरी भक्ति सार्थक हुई। और थोड़ा आगे बढ़ के और कह रहे हैं कि भगवान इसे कर्म का उदय कहो, मेरा भाग कहो, कथमपि किसी भी तरह से मैंने जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा, अनादि काल से इस जन्म रूपी अटवी में इस जंगल में संसार के भ्रमण करते हुए जैसे कोई जंगल में भटक जाए और प्यासा है, भटकते भटकते ना रास्ता सूझता है और अब तो कंठगत प्राण हो गए हैं और अचानक उसे जलाशय मिल जाए तो क्या स्थिति बनेगी? जन्माटव्याम कथम मया देव दीर्घम भ्रमित प्राप्त तौ न कथा स्पार पीयूष भापी, एक तरफ तो मैंने अपने चित्त की सैया पर आपको विराजमान कर लिया और वीतरागता का अनुभव कर रहा हूं, समता भाव का अनुभव कर रहा हूं, कानों में आपके हृदय में बैठे होने से आवाज आ रही है, आपकी वाणी मुझे सुनाई पड़ रही है, एक तरफ भगवान की उपस्थिति का एहसास, दूसरी तरफ उनकी वीतराग वाणी, और वही है वापिका के समान पीयूष वापी। अब मुझे करना क्या है, मुझे दोनों चीजें मिली, एक तरफ भगवान की वीतरागता का दर्शन, मैं उन्हें अपने भीतर वीतरागता के रूप में प्राप्त कर सकता और उनकी वाणी को सुन सकता और उसके माध्यम से मैं शांत हो सकता हूं, लेकिन वाणी में अवगाहन करना पड़ेगा, जैसे कि अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी दाह कम करने के लिए किसी भी जलाशय में हम स्नान करते हैं ठीक इसी तरह से जन्माटव्याम कथम मया देव दीर्घम भ्रमित्वा प्राप्त व्ययम तौ न कथा स्फार पीयूष वापी, तस्या मध्य उसके बीच में क्या है, हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम, अत्यंत हिम के समान सी, चंदन की समान या की चंद्रमा की चांदनी के समान जिसमें शीतल जल भरा हुआ है, मुझे करना क्या है, निर्मग्नम माम, मुझे तो सिर्फ उसमें डूबना है।
ये काम मेरा है, बाकी सब आप कर दो, हम अपनो भर काम नहीं करें। जी आदत छोड़ना पड़ेगी। हाँ, हम अपना काम करें, बाकी बाकी सारी चीजें सहज हो जाएंगी। भगवान की भक्ति करते समय दो काम हमें करना आवश्यक है। एक तो उन्हें अपने हृदय में हम स्थान दे रहे हैं, अर्थात उनके जैसी वीतरागता को हृदय में धारण कर रहे हैं, और साथ में उनकी वाणी का अवगान कर रहे हैं, उसमें निमग्न हो गए। दुख कितना भी आवे, ज्ञान अगर हमारे भीतर है तो उस ज्ञान के द्वारा हम उस दुख को आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों का समन्वय देखिएगा दो पदों में, एक तरफ भगवान की वीतराग मुद्रा का दर्शन और उनके वीतरागता का भाव हमारे भीतर, और दूसरी तरफ वाणी कानों में पड़ रही है, उसमें हम निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। जैसे कि किसी को बहुत पीड़ा हो और उसके मन की कोई बात कोई उससे करने लगे तो क्या होता है, पीड़ा भूल जाती। बताइए, नहीं भूलती है? अपन कहते हैं कि भैया थोड़े बहला लो, हैं ड्रोन लगो है लड़का, बहला लो। अच्छा, बहला लो, कछु में लगा लो, कैसे हो, ये क्या चीज है। ऐसा ही हम अपने दुख से बहल जाते हैं। दुख तो अपने कर्मों के उदय में सबके है, कमती बढ़ती, लेकिन उस दुख के बीच भी और वीतराग भगवान की वाणी का रसा स्वादन करते समय वो हमारा दुख हमें दुख नहीं जान पड़ता। या तो भगवान की वीतरागता में डूब जाए या उनकी वाणी का हम चित्त से अभ्यास करना शुरू कर दे, इन दोनों स्थितियों में और हम दुख से बच सकते हैं। असल में भगवान की वीतरागता का स्पर्श और भगवान की वाणी का स्पर्श, ये दोनों ही हमें अपने भीतर महसूस होना चाहिए। जैसे कि स्पर्श हमें बेटे के सिर पर, माँ का स्पर्श होने पर जैसे वो शांति का अनुभव करता है, ऐसे ही अब वहां तो कहीं भगवान बैठे नहीं है जो हमारे सिर पे हाथ फेर दे, हमारी पीठ पर हाथ थपथपा दे कि डरो मत। नहीं, हमें उनके स्पर्श का एहसास स्वयं करना पड़ेगा, और अगर वो स्पर्श का एहसास हमारे भक्ति के दौरान हमें होता है तो फिर वो हमारी भक्ति हमारे मन को निर्द्वंद शांत और दुख से मुक्त कर देती है और हमें आत्मा का आनंद आना शुरू हो जाता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर अपन देखें, मैं हीरापुर में 1980 में द्रोणागिरि आचार्य महाराज के साथ में हीरापुर से बिहार करने का समय आया। उसमें छुटलक अवस्था में था, बना ही बना था, मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए थे। आचार्य महाराज बहुत चिंता रखते थे कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कैसे क्या होगा। पूछ लेते थे बिहार से पहले, क्यों छुटलक जी ठीक है तो मुझे क्या कहना है। हाथ जोड़ना रहते थे, हाथ जोड़ लेता था क्या, ठीक तो चले क्या। अरे मेरे, मैं कौन होता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। मुझे ये लगता था मैं बोलता नहीं था, अभी भी नहीं बोलता हूँ। जब आप कभी मुझे आचार्य के पास देखेंगे तो इतना बोलने वाला आदमी वहां चुप्पा हो जाएगा जितना यहाँ बोलता देखता है सुबह से शाम तक। उनके सामने क्या बोलना, तो ऐसा मेरे से पूछ करके और आचार्य बिहार करने के लिए और निकल गए। वो सोच रहे थे कि ये आ रहा है पीछे पीछे मेरे, और मैं दर्शन कर रहा हूं, उतने बीच में मुझे बहुत तेजी से और पीड़ा हो गई पेट में। मैं थोड़ा सा रुक गया, क्या जयशी को तो बोल दिया मैंने, और आधा किलोमीटर आगे निकलकर उतनी दूर उन्होंने देखा, क्यों छुल्लक जी कहाँ है। तो मैंने किसी को बोल दिया था कि बोल देना आचार्य को कि वो आगे बढ़े, मैं बस सब भी आता हूँ, थोड़ा सा तकलीफ होने से 5 मिनट रेस्ट करके आता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि उतने दूर जाने के बाद मैंने कभी पीछे लौटते नहीं देखा आचार्य महाराज को आज तक उसके बाद। लेकिन वापस लौट करके आए, मैं मंदिर में ही हूं, मैं दंग हूं, क्या हुआ। मैंने थोड़ा पेट में दर्द हो गया था, आपको तो मैंने ये कहा था कि आप आगे निकल जाते, मैं तो आ ही रहा था। अच्छा लाओ लाओ, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। आधा दर्द तो खत्म ही हो गया, मैं आपसे कहूं आधा दर्द तो जाता रहा, और अब बाकी जो रहा सहा था वो दूसरे के हाथ से अपने हाथ में तेल लेकर के और स्पर्श मात्र किया है। मैं आज भी वो क्षण याद करता हूं कि वो दर्द कहां चला गया, कौन सी वो औषधि थी
और कोई औषधि नहीं है, वो हमारे भीतर जो वीतरागता का स्पर्श है वो औषधि है। ठीक है, हमें हर समय तो ऐसा स्पर्श नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हम अपनी श्रद्धा से, अपने आत्मविश्वास से उस स्पर्श की अनुभूति हर समय नहीं कर सकते? कम से कम अपने विपत्ति और दुख के समय तो कर सकते हैं। कम से कम जिस समय मेरा मन विकारों की तरफ जा रहा है, मेरा मन संसार के विषय कषाय की तरफ जा रहा है, तब उस स्पर्श का एहसास करें। तो वो स्पर्श हमें निर्द्वंद करने में, हमारे मन को निर्मल करने में और शांत करने में कैसे कारण नहीं बनेगा? वादी राज महाराज यही कह रहे हैं कि आज मेरे अंदर कोई दुख का कारण बना है, मेरे असाधा के उदय में कुष्ठ रोग की व्याधि हुई, मैंने कभी भी आपसे याचना नहीं की कि मेरा ये रोग ठीक हो जावे, मैं तो सिर्फ आपकी वीतरागता को अपने हृदय में धारण करता हूं और आपकी वीतराग वाणी मेरे अभ्यास में है, इसलिए मैं अपने दुख से निवृत्त होने के लिए आपसे याचना नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मैं उस आपकी वीतराग वाणी का रसास्वादन करता रहूं, आपकी वीतरागता का एहसास मुझे होता रहे, तो ये सारे संसार के दुख फिर मुझे दुख दुख नहीं मालूम पड़ेंगे। भक्ति इस तरह से अगर हमारे जीवन में आ जावे तो इस भक्ति के माध्यम से भी हम अपने राग द्वेष भावों को कम करके अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। इसी भावना के साथ